दोस्तों हमारे चैनल पे कल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट देने के लिए, और ऐसे ही आगे प्यार देते रहे आप लोग। तो आज से मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा और शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा, तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाएं लॉन्ग वीडियोस पे भी। और चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको टॉप 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ ट्रेन से जुड़े जो कि आप नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए जानते हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो कि शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि नई दिल्ली से भोपाल के बीच चलती है और सबसे तेज चलने वाली ये ट्रेन है, और ये ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। भारत की सबसे धीमे चलने वाली ट्रेन नीलगिरी एक्सप्रेस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, जो कि ये भारत की सबसे धीरे चलने वाली ट्रेन है। भारत में सबसे देरी से चलने वाली ट्रेन गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस सामान्य तौर पर 10 से 12 घंटे की देरी से चलती है, जिसके चलते इसकी यात्रा में लगने वाला कुल समय 65 घंटे तक का हो जाता है। भारत देश का पहला रेलवे स्टेशन। भारत में इंडियन रेलवे का सबसे पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित पोरी बंदर था। देश की पहली यात्री ट्रेन इसी स्टेशन से पुणे तक चली थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन को साल 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में फिर से बनाया गया। इसका नाम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। भारत देश की सबसे पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को शुरू की गई थी। यह ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 33 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री सफर करते थे। भारत में सबसे पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन 3 फरवरी 1925 को मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बाद में इस इलेक्ट्रिक लाइन को नासिक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक विस्तारित कर दिया गया था। साल 1986 में इंडियन रेलवे ने नई दिल्ली में पहली बार कंप्यूटर द्वारा रिजर्वेशन करना शुरू किया था। सबसे छोटे नाम वाला स्टेशन ओडिशा में स्थित है, जिसका नाम आईबी स्टेशन है और ये सबसे छोटा नाम वाला स्टेशन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। सबसे बड़ा होने के साथ साथ ये देश का व्यस्त स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन में कुल 23 प्लेटफॉर्म है। इस स्टेशन से रोजाना 600 यात्री ट्रेन गुजरती है और लगभग 10 लाख लोग रोजाना इस जंक्शन का उपयोग करते हैं। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस देश की सबसे ज्यादा स्टॉपेज वाली ट्रेन है। इस ट्रेन की यात्रा के दौरान कुल 115 स्टॉपेज पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस के लिए।